हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो गाइस, चारकोल सीरीज में आज मैं आप लोगों को एक कार को कैसे चारकोल से शेडिंग करते हैं स्टेप बाय स्टेप विद बैकग्राउंड मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो चलते हैं आज के वीडियो के और आज मैं आप लोगों को चारकोल पेंसिल से कैसे शेड करते हैं सिखाने वाला हूँ। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सो फाइनली देख सकते हैं आप लोग कि मैंने इसको ड्रॉ कर लिया है। आप लोग भी एक अच्छा सा स्केच पहले बनाएंगे, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप वीडियो को आप लोग अच्छे से फॉलो करेंगे। मैंने बैकग्राउंड से स्टार्ट किया है, तो सबसे पहले ट्री, हाउस, पूरा बैकग्राउंड को एक रफ लुक देने के बाद मैं कार में शेडिंग करूँगा। इस ड्राइंग को कंप्लीट करने के लिए मैं सॉफ्ट पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। तो आप लोग वीडियो को एकदम लास्ट तक देखेंगे जिससे आप लोग अच्छे से समझ पाए कि एक स्केच को कैसे एक अच्छे शेडिंग में चेंज किया जाए, कैसे मिक्स कर रहा हूँ मैं। तो पूरे ड्राइंग में आपको सब कुछ दिखने वाला है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। बैकग्राउंड में एक बेस टोन दे दिया है। अब मैं मिक्स करने के बाद इरेजर इफेक्ट दे रहा हूँ, इससे कहीं कहीं पर शाइन आ रहा है। तो इसमें जो वाटर इफेक्ट, बोट बनाया है मैंने, घर, ब्रश से मिक्स कर रहा हूँ। तो ये सारा प्रोसेस है, आप लोग धीरे धीरे इसको सीखेंगे और इसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि कार को और अच्छे से हाईलाइट किया जाए। तो आप में से जिसने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को पहले सब्सक्राइब करें जिससे आप लोग इस टाइप के और भी बेहतर वीडियो सबसे पहले देख पाए। किसी भी ड्राइंग को कंप्लीट करने के लिए एक अच्छा बैकग्राउंड का होना बहुत ज़रूरी है। बैकग्राउंड रेडी है, अब कार के चारों ओर में एक बेस टोन के साथ स्टार्ट करूंगा। सेम प्रोसेस के साथ मैं पूरे कार को भी एक बेस टोन दूंगा, उसको मैं मिक्स करूंगा, इरेजर फेंक दूंगा, फिर जहाँ जहाँ पर भी डार्क करना होगा मैं। तो ये प्रोसेस लास्ट तक चलता रहेगा। तो आप लोग वीडियो को बहुत अच्छे से देखेंगे, स्टेप को फॉलो करेंगे और आप लोग घर में भी एक अच्छा सा कार ड्रॉ करके उसके अंदर चारकोल शेडिंग, पेंसिल शेडिंग कर सकते हैं। कभी भी हम लोग शेडिंग करते हैं तो हमेशा हम लोग ध्यान रखेंगे कि एक लाइन ड्राइंग परफेक्ट होना चाहिए। और जैसे कि मैं अभी कार में शेड कर रहा हूँ, तो कार का जो फ्रंट होता है, बोनट एरिया, कार का मिरर से लेके कार का बेसिक शेप, सब कुछ परफेक्ट होगा तो आपकी शेडिंग थोड़ी ख़राब भी होगी, तो एक अच्छा सा लुक आप ओवरऑल दे सकते हैं। तो बैकग्राउंड देख सकते हैं कम्प्लीट है, अब हम लोग कार को कम्प्लीट करेंगे। ध्यान रहे, जब भी आप चारकोल करेंगे तो मिक्स बहुत अच्छे से करें। आप लोग मिक्स करने के लिए ब्रश का यूज़ कर सकते हैं, कॉटन, टिश्यू पेपर, तो जो भी आपके पास अवेलेबल हो, बस आप हर लेयर को अच्छे से मिक्स करें, इरेजर इफेक्ट दीजिए। जहाँ पर आपको डार्क करना हो वापस आप डार्क करिए, तो 2-3 लेयर में एक अच्छा सा कॉम्पोजिशन रेडी हो जाता है। देख सकते हैं कि मैं टायर को किस तरह से डिटेल कर रहा हूँ। टायर से ज़्यादा मैं उसके अलॉय पर फोकस किया। अब मैं वापस कार के बोनट, कार का लाइट, तो कार में काफ़ी छोटी छोटी डिटेल होती है, तो आप एक अच्छा सा रेफरेंस लेंगे सबसे पहले, उसको बहुत अच्छे से ड्रॉ करेंगे, देन उसको फर्स्ट टाइम देखकर ही ट्राई करें, या आप मेरे वीडियो को भी देखकर बहुत अच्छे से सेम कार को बना सकते हैं, फिर डिफरेंट डिफरेंट भी और ट्राई करें। आज के इस वीडियो में मैं फोकस कर रहा हूं कि कहीं पर भी हार्ड स्ट्रोक्स ना दिखे, मतलब मैं जहां पर भी शेड कर रहा हूं उसको बहुत अच्छे से मिक्स करने की भी कोशिश कर रहा हूं। रिजल्ट आपके सामने है, आप लोग देख रहे हैं कि कैसे ये धीरे धीरे चेंज हो रहा है।
इस टाइप की शेडिंग में आप लोगों को थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। छोटी छोटी डिटेलिंग, हाईलाइट, इरेजर इफेक्ट, कैसे मिक्स करना है, तो आप लोगों को दो चार बार थोड़ा टाइम देना है। और मैं फुल वीडियो में टाइम लैप्स का यूज़ कर रहा हूँ जिससे आप लोग कुछ भी मिस नहीं करें। और कैसे एक अच्छा सा कार विद बैकग्राउंड आप बना सकते हैं, इस वीडियो में मैं दिखाने की कोशिश आप लोगों को कर रहा हूँ। तो आशा करता हूँ आप सभी को बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर आपको सच में वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप लोग शेयर कर सकते हैं। तो आइए इसी तरह से कंप्लीट करते हैं। मैं वापस टायर में काम कर रहा हूँ, एलॉय में, जहाँ पर मैंने डार्क किया था थोड़ा और डार्क। अब मैं ओवरऑल एक फाइनल लुक देना है, तो मैं कहीं पर भी जहाँ मुझे लग रहा है कि थोड़ा और डार्क होना चाहिए, कहीं पर थोड़ा मिक्स करना चाहिए या इरेजर इफेक्ट देना चाहिए, तो आप भी अपने हिसाब से जो भी आप लोग ड्राइंग बनाएंगे तो अच्छे से शुरू से लेकर लास्ट तक आप देखेंगे और एक बहुत ही सुंदर सा कार बना सकते हैं। तो आप लोगों को समझ आ ही रहा होगा कि कैसे छोटी छोटी डिटेल स्टेप बाय स्टेप इसमें ऐड करना होता है, तभी आप एक बेहतर कार या एक बेहतर ड्राइंग बना सकते हैं। टायर देखिए पहले से ज़्यादा डार्क हो चुका है, पहले से ज़्यादा 3D लग रहा है। ऐसे ही बाकी एरिया में भी मैं और डार्क और फिनिशिंग करने वाला हूँ। आज के वीडियो में मैंने कोशिश किया कि कार को विद बैकग्राउंड कैसे चारकोल पेंसिल से शेड करते हैं, ब्लेंडर, चारकोल पेंसिल, इरेजर इफेक्ट, सब कुछ मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाने की कोशिश किया। उम्मीद करता हूँ आप सभी को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को ड्रॉ करना भी सिखाऊँगा कि कैसे ड्रॉ करते हैं कार को या किसी भी ऑब्जेक्ट को। गाइस, आशा करता हूँ आप लोगों को चारकोल शेडिंग कैसे करते हैं स्टेप बाय स्टेप बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होगा आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों से कुछ नए टॉपिक के साथ मिलूँगा। तो आप में से जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये रहा आज का फाइनल लुक।